हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि चैप्टर नंबर 8 है का अगला भाग। पिछली वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपचयन, रिडक्शन, इसे अंग्रेजी में रिडक्शन कहा जाता है। ये अगली अभिक्रिया है। दो अभिक्रियाएं हम यहां पर पढ़ चुके हैं, पहली योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा विस्थापन अभिक्रियाएं। आज पढ़ेंगे अपचयन। तो इसमें अपचयन किस तरह से होता है एल्डिहाइड और कीटोनों का? तो जब एल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है RCHO, ये एल्डिहाइड हो गया। तो जब एल्डिहाइड का निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे अपचायक पदार्थ हैं, तो निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इनका अपचयन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल, R यहां पर C, और ये क्या होता है हाइड्रोजन इनसे ऐड होना है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। किस तरह का ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी क्यों, क्योंकि यहां पर जो एल्कोहलिक समूह है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि प्राथमिक कार्बन है, अर्थात ये कम से कम एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जब कीटोन का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है RCOH, तो ये हो गया कीटोन। जब कीटोन का इसी निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड और या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराते हैं तो हमें यहां पर प्राप्त होता है RC और ये R। क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहां पर ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, OH, और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कहां पर जुड़ेगा, इस कार्बन परमाणु से। तो ये क्या बन गया, बना तो एल्कोहल ही है, लेकिन किस तरह का एल्कोहल है ये, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RCH और यहां पर OH और ये R-। तो किस तरह का एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। क्यों द्वितीयक एल्कोहल, यहां पर जो कार्बन परमाणु है वो कैसे दो अलग अलग या फिर एक समान एल्किल समूहों से या कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो यह किस तरह का कार्बन परमाणु हो गया, द्वितीयक कार्बन परमाणु। और जब एल्कोहल समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे एल्कोहलों को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर एल्डिहाइड अपचयन के फलस्वरूप हमें प्राथमिक एल्कोहल और जो कीटोन होते हैं वो अपचयन के फलस्वरूप क्या देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। अगली इसमें अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन,
क्लीमेंशन, अपचयन, ये नाम से अभिक्रिया आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष पूछी ही जाती है। तो ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी सेट में ये अभिक्रिया अवश्य पूछ ली जाती है। तो ये क्लीमेंशन अपचयन क्या होता है? तो जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो पहले हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, आर सी एच और ये ओ, आर सी एच ओ, ये हो गया एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है, मींस हाइड्रोजन से क्रिया करानी है, किसके उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया? जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट यानी सांद्र HCl। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्डिहाइडों का जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें क्या चीज प्राप्त होती है? यहां से ये R, C और H क्या होता है, यहां पर ये जो CO समूह है, ये समूह, ये क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह CH2 में चेंज हो जाता है, यहां क्या आ जाएगा CH2। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R CH3 और ये क्या होता है, ये है एल्केन। तो हम कह सकते हैं कि क्लीमेंशन अपचयन में एल्डिहाइड, जिंक और जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयित होकर के एल्केन प्रदान करते हैं। इसी तरह से कीटोन आर सी आर डैश और यहां पर ओ, जब इसका अपचयन हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ZnHg और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर, ये जो समूह है कार्बोनिल समूह, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, R C और ये तो चेंज हो गया CH2 में और ये R डैश, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R CH2 और R डैश, तो ये क्या बन गया, ये भी एल्केन। तो यहां पर भी एल्केन ही प्राप्त होते हैं। तो चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों ही क्या करेंगे, अपचयित होकर के एल्केनों का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया है वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, क्या होती है ये अभिक्रिया देखते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन, इनके हम इनके अभिक्रिया करवाएं अमोनिया से या फिर अमोनिया के व्युत्पन्नों से, तो हमें क्या मिलता है, उनके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, कैसे देखते हैं। पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर सी और यहां पर एच और ये डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन गया एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ये अमोनिया का ही एक व्युत्पन्न है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये निकल जाएगा बाहर और हमें क्या मिलेगा यहां से R सी एच डबल बॉन्ड एन एन
यहां पर N जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से और ये NH2 ऐसा का ऐसा ही। इसे हम बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। तो यहां पर हमें मिल गया हाइड्राजोन। तो जब इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये कंसंट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहां से ये इतना N2, ये N2 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन अणु बन जाएगा। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन अणु निकल जाएगा बाहर और क्या बचेगा यहां से, R C और ये H ऐसा का ऐसा ही और यहां पर H2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, R C H कितने हो गए, दो ये और एक ये, कितना हो गया CH3। तो ये क्या होते हैं, एल्केन। तो इस अभिक्रिया में भी हमको एल्केन ही प्राप्त होते हैं और ये क्या है यहां पर, हाइड्राजन। इसी तरह से बिल्कुल सेम अभिक्रिया होती है कीटोनों के साथ में। तो यहां पर R कीटोन का रासायनिक सूत्र ये रहा और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्राजोन, तो H2N NH2। तो यहां पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे अभिक्रिया करके और क्या बनाएंगे, हाइड्राजोन R C और यहां पर R डैश ये, और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ये पूरा यानी N और ये NH2, क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। अब जब ये हाइड्राजोन बन गया तो क्या करना है, अब हमें यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल के साथ अब जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से ये पूरा जो नाइट्रोजन है ये अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन अणु N2। और क्या शेष रह जाएगा, R C R डैश, R C और ये R डैश और यहां पर H2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, R C H2, CH2। और इस कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर R डैश, तो ये भी क्या है, एल्केन। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करके पहले विस्थापित उत्पाद बनाते हैं जिन्हें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलीन ग्लाइकॉल के साथ जब गर्म करते हैं तो अंततः हमें एल्केनों की प्राप्ति होती है। तो अगली अभिक्रिया है डी, चौथी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है, R C H और डबल बॉन्ड O। तो जब एल्डिहाइडों का यहां पर अम्लीय या फिर क्षारीय, अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये एक बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। इसी तरह से अम्लीय
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसी तरह से तनु HNO3। इसी तरह से फेलिंग विलियन। इसी तरह से टॉलन अभिकर्मक आदि। ये सब क्या करते हैं? ये सब के सब ऑक्सीकारक पदार्थ हैं और बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जब एल्डिहाइड का इनमें से किसी भी के द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या होता है, ये पहले क्या होगा एल्डिहाइड में और उसके बाद अंत में क्या होंगे, सॉरी एल्डिहाइड है तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड अम्लीय या क्षारीय KMnO4 द्वारा या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा या तनु HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल द्वारा या फेलिंग विलयन द्वारा या टॉलन अभिकर्मक द्वारा जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्राप्ति होती है। जैसे एक यहां पर CH3CHO जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 द्वारा, अब वो चाहे अम्लीय माध्यम मेरा मतलब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट हो, तब इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब क्या होगा, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये CH3 और ये COOH यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, या इसका जो दूसरा नाम है वो होता है एथेनोइक एसिड जो कि एक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से अगर हम यहां पर फॉर्मल्डिहाइड लें या अन्य कोई बेंजल्डिहाइड लें तो उनका जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें अंततः कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, उसी का रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब अगर ये सारे के सारे इसी तरह से अभिक्रिया करते हैं, अब बात करते हैं फेलिंग विलयन और ये टॉलन अभिकर्मक। तो फेलिंग विलयन सबसे पहली चीज, ये फेलिंग विलयन होता क्या है? तो फेलिंग विलयन ये दो विलयनों का सॉल्यूशन होता है, योगात्मक सॉल्यूशन जिसमें ए और बी, ये हमने मान लिया है कि ए सॉल्यूशन है और एक बी सॉल्यूशन है। तो यहां पर ए सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, मतलब फेलिंग विलयन में क्या क्या होगा, एक तो होगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, दूसरा जो विलयन है वो क्या है, वो होता है रोसेल लवण
जिसे जिसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये इसका रासायनिक नाम है। तो रोसेल लवण और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रंगहीन बिलियन, इन दोनों का बना रंगहीन बिलियन, इन दोनों का रोसेल लवण का और NaOH, इन दोनों का ये बी सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन वो मिक्स होकर के क्या कहलाता है, फेलिंग बिलियन कहलाता है। तो फेलिंग बिलियन के साथ जब एल्डिहाइडों की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होते हैं, आइए देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी आर सी एच ओ, ये एल्डिहाइड रहा। एल्डिहाइड की क्रिया हमें किससे करानी है, इस फेलिंग बिलियन, फेलिंग बिलियन को हम शॉर्ट में सी यू ओ, जब इसका लवण मतलब इन दोनों बिलियनों को हम एक साथ सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन को हम इस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। अब जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इस एल्डिहाइड की रिएक्शन होनी है तब क्या मिलेगा, यहां पर ये तो बनेगा ही बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनेगा ही, क्योंकि हमें पता है जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनाएगा ही बनाएगा, आर सी ओ ओ एच, ये तो बनाएगा ही। इसके अलावा और क्या प्राप्त होगा, यहां से क्यूप्रस ऑक्साइड यानी सी यू टू ओ, इस क्यूप्रस ऑक्साइड का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जो कि होता है रेड ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का, लाल भूरा रंग का, लाल भूरा अवक्षेप। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जब भी फेलिंग बिलियन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं उनकी दृष्टि से भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो वहां पर हमसे कहा जाता है कि इन दोनों में से या और दो के अलावा और भी सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं, और कहा जाता है कि इनमें से एल्डिहाइड और कीटोनों की पहचान कीजिए। तो अगर एल्डिहाइडों का हम जब फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएं और हमें लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये एल्डिहाइड है। अब बात करें अगर कीटोनों की, तो कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके लाल भूरा रंग का अवक्षेप प्रदान करेगा। अगला है टॉलन अभिकर्मक। क्या होता है ये टॉलन अभिकर्मक, यह अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का ताजा बना सॉल्यूशन होता है, तो हम कह सकते हैं टॉलन अभिकर्मक। इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से। तो जो भी एल्डिहाइड्स हैं R, C, H और ये O, जो एल्डिहाइड हैं वो क्या करेंगे? इस सिल्वर ऑक्साइड यानी टॉलन अभिकर्मक। ये हो गया टॉलेंस रीजेंट और ये एल्डिहाइड। तो जो भी एल्डिहाइड हैं वो इस टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH ये तो बनेगा ही बनेगा। ये जो ऑक्सीजन है वो इसे प्रदान हो गया। अब बचा क्या यहां पर? सिल्वर। ये क्या होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो कि काले रंग का चमकदार अवक्षेप होता है, तो ब्लैक शाइनी, शाइनी ब्लैक प्राप्त होता है, काला चमकदार अवक्षेप। तो जो हमें प्रेसिपिटेट फाइंड होगा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा और शाइनी होगा। जिस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन कीटोनों के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, ठीक उसी तरह से टॉलेंस रिएजेंट हैं ये भी उन कीटोनों के साथ अभिक्रिया करके ये काला चमकदार अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं टॉलेन रिएजेंट के द्वारा भी जो एल्डिहाइड है और कीटोन है उनमें पहचान की जा सकती है। अगली अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या होती है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया और क्यों इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है? तो क्या होता है? जब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहां पर अभी एसीटल्डिहाइड ले लेते हैं, एसीटल्डिहाइड, ये एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, या एथेनल, तो एसीटल्डिहाइड, जब एसीटल्डिहाइड की क्रिया किसी भी हैलोजन, चाहे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन, तो यहां पर आयोडीन, मैं यहां पर आयोडीन ले ले रहा हूं, तो आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां पर इनके तीन तीन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले ये तीन जो हेलोजन परमाणु हैं ये एसिटल्डिहाइड के इन तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करके क्या बनाते हैं? ट्राई हेलो, मतलब जो भी हैलाइड हैं। तो यहां पर क्या हुआ? ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो इस आयोडीन के साथ विस्थापित हो गए और क्या बचेगा? CHO प्लस। तो यहां पर ये क्या बन गया? ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो और एसिटल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। इसके अलावा और क्या बनेगा? यहां से तीन हाइड्रोजन और यहां से तीन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे? जल का अणु बनाएंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और क्या मिलेगा? अभी तीन यहां पर हैलोजन परमाणु बचे हुए हैं और तीन ये सोडियम परमाणु बचे हुए हैं, ये रिएक्ट करके बना लेंगे सोडियम आयोडाइड। और
ये जो हमें ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, ये ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड ये फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाएगी, यहां से एच और ये इतना पार्ट आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बना लेंगे, एच सी ओ ओ एन ए यानी सोडियम फॉर्मेट, ये क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। और क्या बनेगा, जो शेष बचा है वो क्या है, सी एच आई थ्री सी एच आई थ्री और ये क्या है, आयोडो फॉर्म जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। चूंकि इस अभिक्रिया में आयोडोफॉर्म, अगर यहां पर हम क्लोरीन लेते तो क्या बनता, क्लोरोफॉर्म, तो ये हेलोफॉर्म जो भी यहां पर निर्माण हो रहा है वो हमारा मेन उत्पाद है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हेलोफॉर्म का निर्माण होता है इसीलिए इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, सी एच थ्री सी एच ओ ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, तीन क्लोरीन परमाणु से। पहले मैंने यहां पर आयोडीन लिया था, अब की बार क्लोरीन परमाणु। जब इसकी क्रिया चार सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुओं के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 जो कि मेन प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म, ये तो प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा, तीन वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे मतलब जल के अणु मिलेंगे, और क्या मिलेगा, तीन सोडियम क्लोराइड के अणु मिलेंगे, और क्या मिलेगा इसके साथ ही साथ, HCOONa यानी सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। तो इसे हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।